नमस्कार, क्या ये समय आ गया है जब कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट होना चाहिए? क्या ये समय आ गया है जब कांग्रेस अपने आंतरिक ऐसे बदलावों को ज़रूर कर ले जिनकी वजह से वह पिछड़ती जा रही है? आइडियोलॉजिकली लेवल पर जो भी चीज़ें हैं वो अपने स्थान पर हैं, परंतु एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा नेता कांग्रेस के पास फिलहाल में अध्यक्ष के रूप में नहीं है। ये बहुत साफ सी बात है कि देश ने राहुल गांधी को खारिज कर दिया है, लेकिन इस बात को स्वीकारते हुए क्या कांग्रेस के पास दूसरे ऐसे नेता हैं जो उनकी जगह ले सके? बेशक कांग्रेस राजनेताओं की खान है, खासकर चुनावी राजनीति में कांग्रेस का कोई सानी नहीं है, बस एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है। तो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कांग्रेस के पास कितने कुल राजनेता हैं जिन पर वो दांव खेल सकती है और पूरी बाजी को पलट सकती है। इसको 5 कैटेगरी में अगर हम विभाजित करते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर के 30 से अधिक ऐसे नेता दिखाई देते हैं जो काबिल हैं, सक्षम हैं। इसमें 13 नेता ऐसे हैं जो टॉप ए कैटेगरी में हैं, जो राजनीतिक जीवन में लोकप्रिय भी हैं और सांगठनिक स्तर पर ही वो अच्छा काम कर सकते हैं। ये जो 13 नेता हैं वो ए कैटेगरी में रखिए आप। बी कैटेगरी में वो नेता रहेंगे जो काम अच्छा कर सकते हैं प्रशासनिक स्तर पर और बाकी स्तर पर, और सी कैटेगरी में जो है बाकी के नेता हैं जो कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर उतने मजबूत नहीं हैं लेकिन संगठन को चला सकते हैं। डी कैटेगरी में वो नेता हैं जो फेसेस बन सकते हैं, जिनमें कुछ काम किया जाए, निवेश किया जाए तो कांग्रेस उनको खड़ा कर सकती है और वो गांधी परिवार के लॉयल भी हैं। ई कैटेगरी में वो नेता हैं जिन पर कांग्रेस को कतई दांव नहीं खेलना चाहिए, भले ही वो गांधी परिवार के कितने ही करीबी हों। आइए हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अपने राजनीतिक जीवन के सबसे ख़राब दौर से गुजर रही है। अब ये बात बहुत सतह पर आ गई है कि इसकी वजह गांधी नेहरू परिवार है। क्या गांधी नेहरू परिवार से हटकर कोई अध्यक्ष चुना जा सकता है? इसको लेकर के कई सवाल हैं, खासकर पुराने और नए कांग्रेसियों के बीच में मतभेद है। नए कांग्रेसी ज़रा हटकर सोचते हैं और पुराने कांग्रेसी ये सोचकर ही घबरा जाते हैं कि अगर गांधी नेहरू परिवार से अध्यक्ष नहीं तो कौन होगा। लेकिन ये बात अलग है, सच ये है कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं और अच्छे अच्छे सकारात्मक सोच और विचार वाले बड़े पारंगत और राजनीतिज्ञ मौजूद हैं। फिर भी जिस तरह से गांधी परिवार स्वयं की सत्ता के साथ पार्टी को चला सकता है, वैसे ही वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी और को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को मजबूती दे सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री चुनते समय मनमोहन सिंह को चुन लिया गया था और बाकी सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए थे, इसकी वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि मनमोहन सिंह को गांधी परिवार का पूरा समर्थन था और उनको गांधी परिवार की पहली पसंद माना गया था। क्या अब फिर कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी? चलिए हम आपको बताते हैं कांग्रेस के अंदर और कितने काबिल लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं ए बी सी डी ई। अगर हम 5 श्रेणियों में नेताओं को विभक्त करते हैं और उनकी जो क्षेत्र में और लोगों के बीच में छवि है उसके हिसाब से हम इनको देखते हैं तो ए कैटेगरी में 13 नेता आते हैं। 13 नेता में सबसे ऊपर हैं जयराम रमेश, अजय माकन, अमरिंदर सिंह, ए के एंटनी, भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मिलिंद देवड़ा, हरीश रावत, संदीप दीक्षित, टी एस सिंहदेव, वीरप्पा मोइली, सचिन पायलट और विवेक तनखा। इसके अलावा अगर हम दूसरी श्रेणी में जाते हैं, ये कैटेगरी कहलाएगी बी। बी इसको हमने इस हिसाब से माना है कि जो ऐसे नेता जिनको लोग पसंद तो करते हैं लेकिन कांग्रेस के अंदर ज़्यादा उनकी पसंद है, आम लोगों के बीच में अपेक्षाकृत कम है। ए कैटेगरी के नेताओं से थोड़े से कम पसंद किए जाते हैं लोगों के बीच में। इनमें हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, अशोक गहलोत, तरुण गोगोई, जितिन प्रसाद, रणदीप सुरजेवाला, आनंद शर्मा। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में वे नेता हैं जो गांधी परिवार के अत्यंत नज़दीक माने जाते हैं और उनके हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको अध्यक्ष बना दिया जाए तो वे पार्टी को बखूबी चला सकते हैं। इनमें सबसे ऊपर हैं मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, राज बब्बर, मनीष तिवारी और अभिषेक मनु सिंघवी। अब हम चलते हैं डी कैटेगरी में।
डी कैटेगरी में जो नेता हैं वो ऐसे नेता हैं जिनकी लोगों के बीच में छवि तो ठीक ठाक है और साथ ही गांधी परिवार के भी नज़दीकी माने जाते हैं और इसके अलावा पब्लिक फिगर भी हैं। ये हैं अंबिका सोनी, पृथ्वीराज सिंह चवन, रेणुका चौधरी, गुजरात के शक्ति सिंह गोहिल और अहमद पटेल। इनमें पांच नेता आते हैं। और ई कैटेगरी वो कैटेगरी है जो भले ही गांधी परिवार के नज़दीकी हों लेकिन कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा उनकी ख़राब छवि है। इनमें सबसे ऊपर हैं दिग्विजय सिंह, नंबर दो पर हैं कपिल सिब्बल, नंबर तीन पर हैं अधीर रंजन चौधरी। और इसी श्रेणी में हालांकि इनकी छवि उतनी ख़राब नहीं है लेकिन मोतीलाल वोरा और कमलनाथ भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो पांच कैटेगरी हैं इन पांच कैटेगरीज़ में अगर हम नेताओं को देखें तो 13 नेता ए कैटेगरी के हैं जो अध्यक्ष बनने के बहुत योग्य हैं और ये अच्छे तरीके से पार्टी को भी चला सकते हैं, साथ ही साथ ये कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी अच्छी पैठ बना सकते हैं और एक अच्छे चेहरा भी हो सकते हैं। बी कैटेगरी में हमने 7 नेताओं को चिन्हित किया है। ये 7 नेता भी ऐसे ही हैं जो ए कैटेगरी से थोड़े से कमतर हैं लेकिन ये भी अच्छे प्रशासक हैं और अच्छे संगठन के माहिर जो हैं राजनेता हैं। सी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो प्रशासनिक तौर पर अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन लोगों के बीच में उतने लोकप्रिय नहीं हैं, परंतु वो तकनीकी तौर पर पार्टी को करेक्ट करने में बहुत प्रयास कर सकते हैं। डी कैटेगरी में ऐसे नेता हैं जो तकनीकी तौर पर चीज़ों को समझते हैं और कर सकते हैं और पहले अच्छी भूमिकाओं में रह चुके हैं, साथ ही गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी भी हैं। ई कैटेगरी में वे नेता हैं जिन पर पार्टी को किसी सूरत में भी दाव नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इनकी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब है। देश भर में ये बात बहुत सरफेस पर है, सतह पर है कि किसी भी तरह से जो है पार्टी एक स्थायी अध्यक्ष चुने, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पार्टी संभव हो तो गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष चुने। तीसरी बात, अगर संभव हो तो कोई ऐसा अध्यक्ष चुना जाए जो बिल्कुल न्यूएस्ट फेस हो, जिसको गांधी परिवार का पूरा समर्थन हासिल हो। CWC में 21 नेता हैं। इनमें हैं मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अहमद पटेल, अजय माकन, AK एंटनी, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा और गायका गम, गुलाम नबी आज़ाद, और इनके बाद आते हैं हरीश रावत और लुइस फेलिरो, KC वेणुगोपाल, मोतीलाल वोरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, ओमान चांडी, रघुवीर सिंह मीना, ताम्रध्वज साहू और तरुण गोगोई। बहरहाल देखते हैं कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन आज की राजनीतिक जो मांग है उसके हिसाब से कांग्रेस को अपने अंदर पूरी तरह से मेकओवर करना पड़ेगा। पार्टी के 23 नेताओं ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि पार्टी नीडेड ओवरहॉलिंग। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।